आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल है, जरा ध्यान से पढ़ना है। मीरविन पॉन्डोर्फ वल्ले रिडक्शन, शॉर्ट में कहते हैं इसको MPV रिडक्शन। BSc 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो पेपर में कन्फर्म है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो मैं शुरू कर दूँ। पहले लिख दूँ मैं, जरा डाल देता हूँ हेडिंग। भाई हेडिंग भी बहुत बड़ा है यार, नाम बड़ा है लेकिन काम बड़ा छोटा है इसका। तो नाम क्या है इसका? मीरबीन। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, मीरबीन। आप W की जगह V भी लिख सकते हो, बहुत सारी बुकों में W की जगह V लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मीरबीन पोन डोर्फ, पोन डोर्फ वर्ले। ठीक है बेटे, वर्ले रिडक्शन ये है साहब, वर्ले और रिडक्शन। अबे पढ़ भी रहे हो या ऐसी बस? ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम? शॉर्ट में इसका नाम होता है MPV रिडक्शन। आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप रिडक्शन ही लिखो, क्योंकि यहां रिडक्शन होता है ना अपचयन होता है, और अपचयन में क्या होता है तुम्हें पता, डायरेक्टली हाइड्रोजन का योग होता है, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। ये सबने याद कर रखा, रिडक्शन कहते हैं। और भी बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में मैंने बोल दिया इसको MPV रिडक्शन। ओके, MPV रिडक्शन, क्या बात है सर। अब जरा आगे देखो क्या होती है, ये क्या होती है, तो जरा थोड़ा ध्यान देना है। इसमें जो रिजेंड यूज होता है ना, जो रिजेंड यूज होता है वो होता है एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड इसमें क्या है, रिजेंड यूज होता है। चलो मैं एक एग्जाम्पल तौर पर तुम्हें समझाऊं थोड़ा सा। मेरे पास कोई भी आर, ठीक है भाई, आर डैश। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना हमें, सी डबल बॉन्ड एच, क्या है ये मैंने बनाया किटोन। ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक समझना है जिसको, ट्रिक से ये क्या बनाया मैंने, किटोन। ठीक है, अब भैया जब आपने किटोन बना दिया है तो रिजेंट तैयार है हाइड्रोजन देने के लिए। अब रिजेंट कौन सा आगा वो मैं बताऊंगा, फिलहाल तो बस चुपके से पहले इन दो चीजों को याद कर लो ठीक से। CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और CHO। अब ये बताओ का होल थ्राइस होगा बेटे, ये ध्यान देना, CH3 का होल ट्वाइस, CHO का होल थ्राइस। अब एल्युमिनियम आगा, एल्युमिनियम किधर लगाऊं मैं, इधर या इधर? ठीक है, तो एल्युमिनियम लगेगा इधर, अबे इधर ही तो लगेगा एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो है यहां इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। एल्युमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, इसका नाम है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अगर इसको मैं थोड़ा सा खोल के बनाऊंगा ना, तो अपने पेपर में जहां आप इस रिएक्शन को लिख रहे हो वो थोड़ा साइड में आप लिख लेना, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस टाइप से हमारा जो एल्युमिनियम होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंसी भी 3 ही होती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 ही होता है, 283। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 आ जाता है यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा ना, एल्युमिनियम के बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अधिकांश कंपाउंड एल्युमिनियम 3 वाले बनाता है, जैसे AlCl3, ArBr3, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ भी एल्युमिनियम का यही हाल है। ठीक है, यहाँ भी एल्युमिनियम का यही हाल है, ये नहीं बदलेगा। चलो आगे देखो, अब मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 है, तो बेटे इधर मेरे पास CH आ जाएगा और CH3 का होल थ्राइस आ जाएगा, होल ट्वाइस आ जाएगा। ऐसे मेरे पास इधर CH आ जाएगा और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3 का होल थ्राइस, होल ट्वाइस आ जाएगा। ऐसे मेरे पास यहाँ CH आ जाएगा और यहाँ CH3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप खोल सकते हो। तो ये होता है प्रोपोक्साइड एल्युमिनियम। अब आप इसका एक नाम तो बोलोगे एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड, या बोल सकते हो एल्युमिनियम ट्राई आइसो प्रोपोक्साइड, लेकिन मैं ट्राई हटा के डायरेक्टली बोलूंगा एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड। ओके, समझ में आ रहा ना। इन मिक्सचर होता है बेटे ये, मिन किस चीज़ में, इसका नाम बताओ जरा मुझे। आज BSc 5th सेमेस्टर पढ़ के आ रहे हो आप, इसका नाम बताओ जरा। इन CH3 का होल ट्वाइस CHOH, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम क्या है? CH3 का होल ट्वाइस CHOH, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल टू ऑल, या आप बोल सकते हो आइसोप्रोपेनॉल, कई नाम आते हैं, लेकिन मैं जो यूज करूंगा वो करूंगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और आपको भी यही नाम यूज करके आना। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जिनका, यानी कि जो किटोन का अपचयन होगा, किटोन का अपचयन, ठीक है, किटोन का अपचयन आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बने, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बने एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के द्वारा जब किया जाता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के द्वारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे और एल्डिहाइडो के द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। तो एल्डिहाइडो का इस रिएक्शन में बहुत कम जिक्र होता है, इसलिए बेटर यही है जिसका जिक्र है
उसी की चर्चा करो, हमारा कीटोन है तो कीटोन को आगे लेके जाओ, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बनेगा क्या, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब R, ठीक है, R डैश, और भैया मेरा क्या बन जाएगा, CH, और मेरे पास क्या बनेगा, OH। ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं बहुत हार्ड रिएक्शन होती है। कहाँ हार्ड रिएक्शन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ है इसमें रिएक्शन में, मेरविन पॉन्डोर्फ, ठीक है, मेरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन या रिएक्शन। डिफिकल्ट है, लग रही है डिफिकल्ट है, ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से आप कवर कर लोगे इस चीज़ को, कुछ भी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं इसको MPV रिडक्शन, है ना। चलो साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, साइड में कहीं लिख लियो कि इस तरह से ये खुलेगा यहाँ पे, है ना। चलो साहब हटाओ इसको, ज़रा भी इसको भी हटाओ। तो थोड़ी सी थ्योरी मैं लिख दूँ, क्योंकि पेपर में आपको थ्योरी लिख के आनी है रिएक्शन की। ठीक है, जब कार्बोनिल, कुछ इस तरह से, जब कार्बोनिल जिसे हम बोलते हैं कीटोन हो, या मेरे पास क्या हो बेटे, एल्डिहाइड हो, क्या हो, एल्डिहाइड का रिडक्शन, का रिडक्शन, ठीक है ना, समझ मारा, जब कार्बोनिल कीटोन या एल्डिहाइड का रिडक्शन, ठीक है, काई में आइसोप्रोपिल एल्कोहल में बने एल्यूमिनियम, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटा, लाइन पे ठीक से देखो, एल्यूमिनियम, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में बने एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ध्यान लाइन पे ध्यान देना, आइसोप्रोपोक्साइड द्वारा किया जाता है, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल द्वारा किया जाता है। तो क्या बनता, तो यह है 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, मेरे पास रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। अगर चाहे हो तो आप 2 डिग्री लिख सकते हो, वरना खाली आप एल्कोहल भी लिख दो, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और मेरे पास क्या, कीटोन भी है। एल्डिहाइड से क्या बनेगा, मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल बनेंगे, और कीटोन से क्या बनेगा, मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। तो मैंने 2 डिग्री हटा दिया, ठीक है, डायरेक्टली मैंने लिखा सीधे। तो यह है कार्बोनिल, यानी कि जब कार्बोनिल कीटोन हो या एल्डिहाइड का रिडक्शन हम किसके द्वारा करेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में बने एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड द्वारा किया जाता है, तो यह एल्कोहल में रिड्यूस यानी कि अपचयित हो जाता है। कंप्लीट हो गया, और कुछ है, और कुछ बचा है रिडक्शन में, कुछ भी नहीं बचा, हो गया बस। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक शॉर्ट ट्रिक में याद कर लियो, अगर याद कर सको तो तुम। यह मेरे पास शॉर्ट ट्रिक एमपी मतलब मेरविन पॉन्डोर्फ के मतलब कीटोन, ठीक है, मेरविन पॉन्डोर्फ कीटोन, एमपी के आलू मतलब एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एमपी के आलू 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल यानी कि शराब बनाते हैं, 2 डिग्री शराब बनाते हैं, इसको शराब कर लियो यहाँ पे, हटाओ इसको, 2 डिग्री शराब बनाते हैं। इससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, बड़ा इजी है, सिंपल सी रिएक्शन बिल्कुल, ठीक है, एमपी के आलू 2 डिग्री शराब बनाते हैं। तो एमपी मतलब मेरविन पॉन्डोर्फ, के मतलब कीटोन, और एल मतलब, ठीक है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और क्या बनता है मेरे पास, 2 डिग्री एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री शराब बनती है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म से भी आ सकते हो, एमपी के आलू 2 डिग्री शराब बनाते हैं। कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी, हो गई, बाकी कोई चीज़ है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं बचा, सिंपल सी रिएक्शन थी, आराम से हो गई, ठीक है। चलो साहब अब इसकी पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म, जो कि सबसे जरूरी है, बिना मैकेनिज्म के तो ये सब कुछ अधूरा होता है, चाहे कोई सी भी रिएक्शन आ जाए, कोई सा भी ऑक्सीडेशन आ जाए, रिडक्शन आ जाए, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ जल्दी फास्ट, इसको बता लियो साइड में, कर लिया। चलो साहब आगे देखते हैं, फिर हटा दे रहा हूँ मैं इसको भी, चलो देखते हैं फिर भाई इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म 2 रुपये के इजी से भी इजी होती है, इसकी जो आता है ना 5 रुपये का इजी, उससे भी इजी होती है, वो इजी होता है उससे भी क्या होती है, इजी रिएक्शन होती है। देखो ज़रा मैकेनिज्म कर लेते हैं अब इसकी भाई, मैकेनिज्म, ठीक है भाई, लो साहब मैंने डाल दिया हेडिंग, मैकेनिज्म सबसे इजी होती है अगर करने वाला हो तो, और इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन से और भी ज़्यादा इजी है। कैसे, देखो ज़रा, कोई सा भी आप कीटोन पकड़ लो,
आर आर डैश, ठीक है भाई, कोई सा भी कीटोन पकड़ लो। अरे भाई मैंने सर ये वाला कीटोन पकड़ लिया, अब क्या होगा, अब एंट्री होगी किसकी, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की, जो कि अपना मेन रिजेंट है, उसकी एंट्री करवा दो। चलो साहब करवा दो, आप करवा दो एंट्री, करवा दें भाई पक्का। चलो साहब करवा रहा हूँ, देखो कुछ 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 इस टाइप से हमारा एल्युमिनियम देखने मिलेगा AL, ठीक है, और इसके साथ जो जुड़े होंगे ग्रुप हमारे वो जुड़े होंगे कुछ OCH, और भैया CH3 का होल ट्वाइस, का होल ट्वाइस दो मैंने यहाँ लिख लिए, क्योंकि तीन जुड़े हुए होते हैं ना एल्युमिनियम के साथ, तीन जुड़े हुए होते हैं प्रोपोक्साइड ग्रुप, तीन जुड़े हुए होते हैं, ऐसे मेरे पास एक ग्रुप ही आ जाएगा, तो एक कहाँ गया, एक मेरे पास ही आ गया, ठीक है बेटे। कुछ मैंने इसको इस टाइप से लिखा एल्युमिनियम ऑक्सीजन, और इसको मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया AC, और सिंगल बॉन्ड मेरे पास क्या हो गया H, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें ये, और CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस मिल गया हमें। डर तो नहीं लग रहा सो देख के, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है यार, 2 रुपए के इजी से भी इजी, ऐसा मान लो आप। देखो क्योंकि एल्युमिनियम के साथ तीन जुड़े होते हैं, तो दो मैंने यहां लिखे हैं और एक मैंने यहां लिख लिया, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बॉन्डिंग क्रिएट करो, मेरे को गुस्सा आया और मैंने ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम पे क्रिएट कर दिया, इस पे माइनस आ गया, इस पे क्या गया मेरे पास प्लस, फिर ये हाइड्रोजन देख लिया कि भाई प्लस हैगा, तो इस पे मैंने ये वाला बॉन्ड क्रिएट करा, ठीक है, इस पे क्या जाएगा बेटे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या जाएगा प्लस, पहले इनका तीना पाँचा करो आप, कुछ इनका तीना पाँचा करो आप, चलो साफ कर दो, आर आर डैश इनका तीना पाँचा, ये कर दिया मैंने, एच लगा दिया यहाँ, क्योंकि प्लस से माइनस वाला हमारा एट अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ गया, ऑक्सीजन देखता रहा, ऑक्सीजन पा गया मेरे पास कितना माइनस आ गया, देखो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, माइनस आ गया, ठीक है आ गया। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये वाला बॉन्ड मैंने क्रिएट कर दिया इस पे को, ठीक है, तो इस पे प्लस है, इस पे क्या है माइनस है, तो मिल के क्या कर देंगे दोनों एक बॉन्ड बना देंगे, और ये सर एक बॉन्ड बन जाएगा, हाँ भाई एक बॉन्ड बन गया। अब ये देखो बॉन्ड क्रिएट कर दिया मैंने, इस पे माइनस इस पे प्लस दोनों मिलके ना एक बॉन्ड बनाया, और जो बॉन्ड बनाया है कुछ इस टाइप से ये बाहर हो गया, कुछ इस टाइप से ये क्या हो गया हमारा बाहर हो गया, मैंने चिन्ह लगा दिया माइनस का, इस पे प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया बेटे प्लस। अब ये प्लस वाला जो होगा वो इस माइनस वाले के साथ में क्या होगा जुड़ जाएगा, कुछ इस टाइप से ये हमारा जुड़ के तैयार हो गया सिंगल बॉन्ड, ये आ गया मेरे पास ओ, और बेटे ये आ गया CH। चलो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़े करके लिखूँ, क्योंकि टेढ़ा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग शो की जाती है, OCH और CH3 का होल ट्वाइस, का होल ट्वाइस, ठीक है, सबका होल ट्वाइस दो बन गया, ठीक है इतना बन गया। लेकिन सर अभी हमारा मेन प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो कहाँ गया, अब इसमें एंट्री होती है आइसोप्रोपिल एल्कोहल की, ठीक है, प्लस लाइन पे फोकस करें ठीक से, प्लस आइसोप्रोपिल एल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड मेरे पास क्या आगा H आगा, ठीक है, जो ही मैं ये वाला बॉन्ड इस पे क्रेक करूंगा त्यों ही ये वाला बॉन्ड जो है भाई इस पे क्रेक हो जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, इधर तैयार है प्लस, इधर है माइनस, तो माइनस वाला जुड़ेगा प्लस वाला, ठीक है, कुछ इस टाइप से लाइन पर फोकस करना है ठीक से बेटे, आर आर डैश, ठीक है, ओके ओके सर, मेरे पास क्या बचा, सी के साथ में एच जुड़ा पड़ा है, और ओ के साथ में, क्योंकि इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे मेरे पास प्लस आ जाएगा, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया जुड़ गया, तो क्या बन गया आर आर डैश CHOH, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। देखो कितनी इजी है, कितनी इजी इसकी मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म है बिल्कुल सिंपल सी, और आप भी आसानी से आप बना लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं, कहीं कहीं कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं आया इसमें, ठीक है। अब मेरे पास देखो इस पर आ गया माइनस, इस पर आ गया प्लस, फिर से ये क्या होगा, ये पूरे का पूरा उठा के मैं इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि इस पर आ चुका है प्लस, इस पर आ चुका है माइनस, फिर से क्या कर लेगा ये एल्युमिनियम एक बॉन्ड बना के तैयार कर देगा, OCH CH3 का होल ट्वाइस, का होल थ्राइस, और ये आ जाएगा मेरे पास एल्युमिनियम। बोलो समझ में आया नहीं आया यहां तक, तो जो रिजेंट था जैसे था वैसे का वैसा बाहर हो गया, और हमारा 2 डिग्री शराब यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल भी बन गया। तो ये थे हमारे MP के आलू, ठीक है, MP के आलू से 2 डिग्री शराब बनती है, बन गई, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, तैयार हो गया। तो एक सिंपल सी मैकेनिज्म थी, आप आसानी से लिख के आ सकते हो पेपर में, इसको बना के आना, ठीक है,
और क्या होती है एमपीपी रिडक्शन, क्या होता है उसकी मैकेनिज्म क्या है, ये हमने सब कुछ देख लिया। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।